हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई, जो आज का टॉपिक है, इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं फ्रेजनल्स डिस्टेंस। क्लियर है भाई? तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो लाइट का पाथ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। भाई, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स क्या है, मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद मैं डेफिनेशन वगैरह यहां पे लिख दूंगा, आप समझ जाओगे। अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, लाइट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है? और अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो लाइट बेंड्स आफ्टर पासिंग थ्रू शार्प कॉर्नर्स या फिर स्मॉल एपर्चर्स। ये तो बात है, दो अलग अलग बातें हमने सीखी थी। रे ऑप्टिक्स से हमने पढ़ा था लाइट आपकी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, जबकि वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रेक्शन जो फिनोमेना थी वहां हमने पढ़ा था कि लाइट जब किसी शार्प कॉर्नर पे टकराती है या स्मॉल एपर्चर में से पास होती है तो बेंड हो जाती है। तो दोनों यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा है। देखिए ध्यान से, ये बोल रहे हैं स्ट्रेट पाथ, ये बोल रहे हैं बेंड होगा। ठीक है? तो रे ऑप्टिक्स कहां तक वैलिड है और किसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगी, वो आपको यहां पर ध्यान से समझना है। वो कौन सी लिमिट है जिसके बाद हम डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं और उससे पहले आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड रहती है। जब भी हम फिनोमेना डिफ्रेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक स्मॉल एपर्चर होता है ना भाई। मान लीजिए आपका एक सर्कुलर एपर्चर है भाई, यहां पर क्या आपके पास एक सर्कुलर एपर्चर है, इस तरह से मान लीजिए आप, इट इज अ सर्कुलर एपर्चर और इसमें से लाइट आपकी पास हो रही है लाइक दिस। तो डिफ्रेक्शन फिनोमेना में हमने पीछे पढ़ ही लिया है कि मान लीजिए जो इसका सर्कुलर एपर्चर का डायमीटर है वो स्मॉल डी है। भाई डायमीटर क्या है इसका, स्मॉल डी है। किसका? सर्कुलर एपर्चर जो आपके पास होल है यहां पर उसका। तो हमने क्या पढ़ा था, आपको ध्यान होगा इस जगह डिफ्रेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें मिलता है, यहां पर कैपिटल डी क्या था आपका, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आकर स्मॉल एपर्चर पर इंसिडेंट हुई है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। और जो हमारे पास यहां पर स्मॉल सर्कुलर एपर्चर जो हमने लिया उसका डायमीटर स्मॉल डी मान लिया हमने। तो हमने पढ़ा था कि आपका किसी एंगल थीटा पर जाकर फर्स्ट मिनिमा मिलती है, फर्स्ट मिनिमा मिलती है। और ये थीटा होता है इस केस में आपको पता होगा लगभग किसके बराबर होता है भाई, लैम्डा अपॉन डी के बराबर। थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आता है, लैम्डा बाई डी के बराबर। ठीक है? कैपिटल डी आपका स्मॉल डी से बहुत बड़ा होता है, उस केस में हमने ये प्रूफ किया था पहले। ये तो फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है भाई? ऐसे तो था मतलब यहां तक पूरी आपकी इमेज बनती है ब्राइट सी भाई, जो इसका इस एपर्चर की वजह से यहां पर सर्कुलर ब्राइट बनेगी, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है? सर्कुलर शेप की होगी और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो उसकी जो विड्थ लगभग इतनी होगी। तो सेंट्रल कोई मान लेते हैं, बाकी तो फिर अल्टरनेट धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है। तो सेंट्रल जो ब्राइट आपकी मिल रही है, मान लीजिए भाई इसकी इमेज है, तब भी साइज उसका इससे बहुत बड़ा आने वाला है। ठीक है भाई? ये दूरी अगर हम वाई मानते थे तो हमें पता था वाई किसके इक्वल आता है भाई, वाई इज इक्वल टू आता है डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है? डिफ्रेक्शन में हमने इसका प्रूफ किया था, है ना? वी हैव
प्रूव इट। तो हम इसको पहले प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये बात, ठीक है, y is equal to d lambda by small d। अब आप ध्यान से देखो और समझो, जो लीनियर साइज है किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का, y क्या था, लीनियर साइज, पूरा साइज नहीं था, लीनियर हाफ लीनियर विड्थ मान लो इसको, है ना, हाफ लीनियर विड्थ, और ये क्या था आपका, हाफ एंगुलर विड्थ। भाई ये तो बात थी किसकी, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल शैडो, है ना, ज्योमेट्रिकल इमेज जो बन रही है वो इतनी बन रही है, ठीक, यहां से लाइट पास होगी तो उसकी इमेज बनेगी, बड़े साइज की बन रही थी। अब जैसे जैसे आप स्क्रीन को पास लेकर आओगे, भाई आप स्क्रीन को मान लीजिए पास लेकर आना शुरू करिए, तो स्क्रीन को अगर और शिफ्ट करेंगे तो वाई डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, आप स्क्रीन की दूरी आप कम करो किससे, स्लिट से, अगर कैपिटल डी डिक्रीज होगा तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, वाई कम हो जाएगा। मान लीजिए आपकी स्क्रीन यहां कहीं होती, इमेजिन दैट स्क्रीन आपकी इस जगह होती, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होती भाई, वाई होती उस केस में, वाई डैश इसको मान लो स्मॉल डी के बराबर है, वाई डैश किसके बराबर है, इसकी विड्थ के बराबर, स्मॉल डी के बराबर। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ, क्या बोलते हैं भाई, फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ, पूरी बात ध्यान समझिए भाई। ये अपने पास जो ट्राइंगल सिमिलरिटी देखे यहां पर, ट्राइंगल अगर हमें दिख रहा है साफ, तो इस ट्राइंगल से अगर हम देखें तो अगर ये वाई, जो y है वो d लैम्डा अपॉन स्मॉल d आएगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू लगभग sin थीटा करते थे हमने वहां पे प्रूव किया था इजीली। तो अगर ये y है और ये कैपिटल d है, इसको y डैश मान ले और इसको z डैश मान ले, तो y डैश क्या जाएगा यहां से भाई, y डैश मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल d के प्लेस पे z डैश आएगा। सिमिलरिटी ट्रायंगल से देखी जाए, सिमिलरिटी अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां पर तो y था, ये हमने माना था y डैश, ये जेड एफ था और ये पूरा कैपिटल डी था। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा कि वाई डैश किसके इक्वल है, जेड एफ, जिसको बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं। और क्या होता है, मैं डिफिनेशन लिखूंगा बकायदा इसकी, जेड एफ हो गया, लैम्डा तो आएगा ही और अपॉन में स्मॉल डी, भाई सिमिलर ट्राइंगल से देख लो, वाई डैश अपॉन वाई कर लो भाई, ऐसे कर लो y डैश अपॉन में d, सॉरी y अपॉन में d इज इक्वल टू y डैश अपॉन जेड एफ, y अपॉन में कैपिटल d इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, y डैश अपॉन में जेड एफ। इस जगह से देखिए सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो y डैश कितना आ जाएगा, d से वो d कट जाएगा, तो y डैश आ जाएगा आपका जेड एफ लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, आ जाएगा भाई, वाई डैश इक्वल टू जेड एफ लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अभी इसको फॉर्मूला नहीं बनाएंगे हम, जैसे कि मैंने कहा था वाई डैश जब डी के बराबर होगा तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं जेड एफ, तो वाई डैश के प्लेस पे स्मॉल डी पुट कर दें। देखो अगर वाई डैश के प्लेस पे स्मॉल डी पुट कर दें, डेफिनेशन में बोलता है जब y डैश आपका स्मॉल d के बराबर होगा तो स्क्रीन और इसके बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे फ्रेजनल डिस्टेंस, तो वो कितनी आ जाएगी, d भाई d इधर भी है और जेड एफ यहां लिखा हुआ है, यहां लैम्डा लिखा हुआ है, स्मॉल d लिखा हुआ है, तो जेड एफ कितना आ जाएगा भाई, यहां से जेड एफ जो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला, वो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई लैम्डा, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है जेड एफ, ये वो डिस्टेंस है जेड एफ किसकी, स्क्रीन और स्लिट के बीच की, जहां तक आपकी रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट रहती है, यानी लगभग इसका जो शेप है यहां पर जो स्लिट की जो विड्थ है उसमें ज्यादा खास अंतर नहीं आएगा, यहां पर जो है ज्यादा खास अंतर नहीं देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। जेड एफ हमारी
स्क्रीन और स्लिट के बीच की वो डिस्टेंस है जब इसकी विड्थ, यहां पर जो विड्थ है और जो हमारी सेंट्रल ब्राइट बनेगी उसकी विड्थ में कोई ज्यादा खास फर्क देखने को हमें नहीं मिलता। कहेंगे सब डबल बन रही है तो अपने इसको डी माना है, इधर भी डी बनेगा, डबल साइज की बनेगा। भाई स्मॉल डी बहुत छोटा है, जो स्मॉल डी है वो क्या है, बहुत साइज छोटा है कैपिटल डी कंपैरिजन में। तो ये वो डिस्टेंस है जहां तक हम ये मानेंगे रे ऑप्टिक्स, अभी लाइट की जो रेज है बहुत स्मॉल एंगल पर होनी है, बहुत स्मॉल एंगल पर। भाई 0.01 और 0.02 में डबल का तो अंतर है, मान सकते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस साइज को बनाने के लिए लाइट रेज बहुत हल्का सा मुड़ेंगी, बहुत हल्का सा, ज्यादा खास अंतर नहीं आएगा। ये मान लीजिए यहाँ पर डबल साइज की बनती भी है, जो एंगल यहाँ पर जो मुड़ेगी लाइट की रेज, क्योंकि साइज इसका बहुत छोटा है, यहाँ पर भी साइज बहुत छोटा रहेगा। वो तो मैं फिगर में बड़ा दिखा रहा हूँ इस जगह पे, कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होता है। यहाँ पर जो शेप है, भले यहाँ पर दोगुनी शेप दिख रही है इससे, लेकिन जो लाइट की बेंडिंग है वो बहुत स्मॉल एंगल पर होगी। किस पर होगी भाई, बहुत स्मॉल एंगल पर, बहुत स्मॉल एंगल पर लाइट आपकी मुड़ेगी। तो लगभग लगभग लाइट यहां तक सीधी मूव कर रही है, और इसके इससे बड़ी डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो फिर जो लाइट का एंगल है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और वहां से डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इससे आधी डिस्टेंस पर आओगे आपकी बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। इस डिस्टेंस तक लगभग लगभग हल्का हल्का एंगल मुड़ेगा, ज्यादा एंगल में फर्क नहीं आएगा, लाइट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट पाथ पर ही चल रही होगी। और इसके बाद फिर डिफ्रेक्शन पैटर्न यानी आपकी वेव ऑप्टिक्स डोमिनेट हो जाएगी। बस इस डिस्टेंस तक आपकी जो है रे ऑप्टिक्स काम करती है परफेक्टली, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आप इस तरह से लिख लो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं क्या है। फ्रेजनेल्स डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन अप टू विच रे ऑप्टिक्स होल्ड्स गुड एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, इसको मैं बना देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इन कैपिटल डी इज ग्रेटर देन जेड एफ, देन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो लगभग वो डिस्टेंस है जहां तक हम रे ऑप्टिक्स को मानते हैं कि अभी डोमिनेंट है, इसके बाद आपकी वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट हो जाएगी। इस डिस्टेंस से पहले पहले रे ऑप्टिक्स ज्यादा डोमिनेंट रहती है, और उसके बाद आपकी वेव ऑप्टिक्स ज्यादा डोमिनेंट रहती है। क्लियर है भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये वो डिस्टेंस जहां तक आपकी रे ऑप्टिक्स होल्ड्स गुड। और ये डिस्टेंस कब होती है, जब आपकी जो सेंट्रल ब्राइट बने उसकी जो हाफ लीनियर विड्थ है वो इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर विड्थ हो स्लिट के बराबर। तो व्हाइट है जब डी के बराबर होती है तो उसको बोलते हैं जेड एफ। अब घबराना मत कि भाई सब इसके तो इमेज बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी बननी चाहिए, मतलब डी बाई टू के बराबर होना चाहिए, तब होना चाहिए रे ऑप्टिक्स गुड। मैंने कहा स्मॉल एंगल पर ही मुड़ेगा, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं मुड़ेगा, क्योंकि साइज बहुत छोटा है इसका। जो इमेज बनेगी भले डबल साइज की बनती है, पर जो लाइट की रेज है वो बहुत स्मॉल एंगल पर ही मुड़ेगी, कुछ खास एंगल उनका होगा नहीं, क्योंकि कैपिटल डी आपका स्मॉल डी से बहुत बड़ा है। ज्योमेट्रिकली जो फिगर बन रहा है उसमें लाइट रेज हल्का से मुड़ रही, ज्यादा नहीं मुड़ रही डबल साइज की बनाने के लिए, उसके बाद फिर ज्यादा मुड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे जैसे आप डी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको डिफ्रेक्शन जो है ज्यादा ऑब्जर्व होगा, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट जितनी ज्यादा थिक बनेगी उतनी आपको डिफ्रेक्शन यहां पर ऑब्जर्व होगा, लाइट रेज ज्यादा मुड़ती हुई आपको साफ दिखेंगी। तो भाई ये थी पूरी कहानी, मतलब यहां तक तो लाइट रेज कुछ ऐसे मुड़ी, इसके बाद ज्यादा बड़े एंगल पर मुड़ना शुरू हो जाती है। आप इस तरह समझो ये बात, ठीक है भाई।
ये पूरी नोट कर लो, इसको बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस ZF को, ZF इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस, ZF इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस, ZF को हम बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। क्लियर है भाई? इस डिस्टेंस से पहले रे ऑप्टिक्स लिख देता हूं मैं यहां पे, D इज लेस देन ZF, रे ऑप्टिक्स वैलिड, D इज ग्रेटर देन ZF, वेव ऑप्टिक्स इज वैलिड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो बस यही थी फ्रेजनल डिस्टेंस के बारे में जानकारी। अब जो इस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जरा आप ध्यान से सोचो, मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। चलिए न्यूमेरिकल्स में बताता हूं किस तरह के पूछे जाते हैं इन पर। क्लियर भाई? तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर। तो क्या पूछेगा? एस्टिमेट द डिस्टेंस, एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज वैलिड फॉर एन एपर्चर थ्री मिलीमीटर वाइड, फोर मिलीमीटर लिख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ी आसान हो जाएगी, फोर मिलीमीटर वाइड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट इज 400 नैनोमीटर। चलिए भाई, तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, वो डिस्टेंस होती है ZF, जो किसके बराबर होती है, विड्थ ऑफ स्लिट अपॉन में विड्थ ऑफ स्लिट का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा। तो विड्थ ऑफ स्लिट कितनी है? 4 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गई, स्क्वायर कर लो, लैम्डा 400 नैनोमीटर, 16 10 रेज द पावर माइनस 6 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 4 10 रेज द पावर माइनस 7 तो आ जाएगा आपके पास 40 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा भाई? 40 मीटर। तो 4 मिलीमीटर वाइड जो आपके पास एपर्चर है और जिस पे लाइट की जो रेज है 400 नैनोमीटर की पड़ रही है, उस केस में आपका जो फ्रेजनल डिस्टेंस है 40 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई? यहां तक आपकी, उस एपर्चर से इतनी दूरी तक आपकी जो है रे ऑप्टिक्स काम कर रही है, लगभग लगभग सेम साइज का। इससे बड़ी दूरी पे चले जाओगे तो फिर साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, जो इमेज बनेगी उसका। यह था क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस पे। क्लियर है भाई? चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं डिफ्रेक्शन हमने डिफ्रेक्शन जो पढ़ा वो पढ़ा फ्रॉनहोफर और फ्रेजनल डिफ्रेक्शन, ठीक है, और मेनली हमने पढ़ा था फ्रॉनहोफर का सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। मेनली क्या पढ़ा था भाई? फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफ्रेक्शन बाय ए सर्कुलर एपर्चर। डिफ्रेक्शन बाय ए सर्कुलर एपर्चर। अब डिफ्रेक्शन बाय ए सर्कुलर एपर्चर में क्या है, पहले आप ध्यान से सुनो भैया। जैसे अपने पास लेंस होता है, मिरर होता है, तो इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। फिर ये बल्किंग आउट होते हैं तो कॉन्वेक्स है, धसे हुए होंगे तो कॉनकेव, तो हम जानते हैं। पर कोई भी लेंस हो, लेंस आपका इस शेप का होता है एक्चुअल में ऐसा। फिर ये उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, बाहर की ओर निकला हुआ, तो उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं,
और साइड्स में मोटा है, बीच में पतला है, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव। जब भी किसी लेंस से, अभी लेंस क्या है, एक तरह का आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसमें से लाइट इसके आर पार जा सकती है। जब भी जो लाइट की रेज है किसी लेंस से पास होती है या सर्कुलर एपर्चर से पास होती है, मतलब मिरर से पास होगी, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लेंस और मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो लेंस से जब आपकी पास होती है क्या लाइट की रेज। अब मान लीजिए लेंस के पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर आप मान लीजिए पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेंस को मैंने इस तरह से बनाया है, ये तो 2D शेप है लेंस की, एक्चुअल में सर्कुलर शेप का होता है, इस तरह से सर्कुलर शेप, और ये जो है ये इसको उभार है, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ है तो ये एक्चुअल में इस तरह का सर्कल, और फिर इधर से बाहर निकला हुआ दिखता है सर्फेस इसकी, इधर से भी बाहर निकली हुई दिखती है, तो सामने से देख रहे हैं ये सर्फेस आपको दिख रही है, एक्चुअल में कैसा है 3D इमेज बनती है इसकी, इस सर्कल बनता है ऐसा। अब यहां पर एक पॉइंट साइज की हमने रख ली ऑब्जेक्ट O, तो जो उसकी इमेज बननी चाहिए पॉइंट साइज की बननी चाहिए, जैसा हमने पीछे पढ़ा है इन रे ऑप्टिक्स, तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स द इमेज ऑफ ए पॉइंट साइज्ड बॉडी फॉर्म्ड बाय ए लेंस और मिरर शुड बी ऑफ पॉइंट साइज, पर ऐसा है नहीं, ऐसा पाया नहीं गया। इन प्रैक्टिस क्या पाया गया, जो पॉइंट साइज की बॉडी है उसकी जो इमेज बन रही है वो एक डिफ्रेक्शन पैटर्न शो कर रही है, मतलब उसमें स्क्रीन पर अगर इसकी इमेज को देखें हम तो हमें क्या दिखेगा, सेंटर पे तो दिखेगी आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद डार्क ब्राइट का एक पैटर्न हमको देखने को मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की इमेज हमें यहां पर देखने को मिलती है प्रैक्टिकली। और ज्योमेट्रिकली रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि भैया जो इसकी इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज की बनेगी, बस अलग दूरी पे जाके बनेगी, है ना, पर बनेगी तो पॉइंट साइज की, अगर ये पॉइंट साइज का है तो, है ना। तो रे ऑप्टिक्स जो हम पीछे पढ़ के आए थे उसके अकॉर्डिंग तो इसकी इमेज पॉइंट साइज की बनती है, पर अगर हम वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर आपका डिफ्रेक्शन होगा, जैसे ही लेंस पे टकराएगा ये अपना जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहां पर नए जो पॉइंट्स पड़ेंगे लेंस पर वो एक तरह के नए सोर्स बन जाएंगे, अपने अंदर से लाइट की रेज निकालेंगे, उन रेज का जब डिफ्रेक्शन होगा तो यहां पर हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें सेंट्रल तो आपकी सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और वो सराउंडेड होगी अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के साथ, क्लियर है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन बाय ए सर्कुलर एपर्चर, क्या बोलते हैं डिफ्रेक्शन बाय ए सर्कुलर एपर्चर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा, द इमेज ऑफ ए ब्राइट पॉइंट साइज्ड बॉडी फॉर्म्ड by a lens is not found of point sized। But the image consists of bright circular fringe surrounded by alternate dark and bright fringes, due to diffraction। इसी को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन बाय ए सर्कुलर एपर्चर, क्योंकि लेंस भी कैसा होता है, लेंस हैज सर्कुलर एपर्चर, ठीक है। अब अगर हम स्क्रीन पर देखें इसकी इमेज को, यहां पर हम स्क्रीन बनाने 3D में और इसकी इमेज को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा,
इसे मिटा देता हूँ मैं, जगह नहीं है तो मैं थोड़ा बड़ा साइज का बनाऊंगा यहाँ पे इमेज, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ले ली इस तरह से, ठीक है। अरे यार स्क्रीन थोड़ी मैंने ज्यादा नीचे कर दी है। कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन मिली आपको, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर इस पॉइंट साइज की इमेज जो मिलेगी इसके द्वारा यहाँ पर बने हुए डिफ्रेक्शन पैटर्न की वजह से, वो कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। बिल्कुल बीच में तो एक डार्क ब्राइट मिलेगा पैटर्न, ठीक है। और उसके बाद आपको अल्टरनेट डार्क, जो ब्लैक से बना रहा वो डार्क है, इस तरह से बनना और पूरा बना लेना। फिर इसके बाद हमको एक अल्टरनेट ब्राइट बनेगी, रेड वाली जो हम दिखा रहे हैं वो ब्राइट है, ठीक है भाई। इस तरह से फिर हमें एक डार्क मिलेगी। इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको पैटर्न देखने को यहां पर मिलेगा। रेड वाली जो है, ठीक है, सेंटर पे आप ध्यान से देखो, सेंटर पे क्या दिख रहा है आपको? सेंटर पर हमको एक यहां पर सर्कुलर डिस्क टाइप की दिख रही है ना, सर्कुलर डिस्क दिखती है सेंटर पे। और फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट। तो जो ब्लैक है, मैंने जो ब्लैक बना रखी है वो डार्क फ्रिंज है, जो मैंने रेड कलर की बना रखी है वो ब्राइट फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंजेस है। तो इस तरह से ऑब्जर्व हुआ जो हमने स्क्रीन पे देखी, इसकी वजह स्क्रीन है। किसी भी पॉइंट साइज गोटे को जब हमने किसी लेंस के थ्रू उसकी इमेज को बनाया स्क्रीन पर, तो प्रैक्टिकली जो हमें देखने को मिल रहा था वो इस तरह की इमेज देखने को मिलती है डिफ्रेक्शन की वजह से। ज्योमेट्रिकली हम पीछे पड़ गया है, पॉइंट साइज की बनेगी, ज्योमेट्रिकली आपको वैसे ही करना है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में जो इमेज बनाएंगे वो इस प्रकार की बनाएंगे इसकी। तो सेंटर पे क्या है, एक डिस्क है अपने पास ब्राइट, उसके बाद अल्टरनेट डार्क ब्राइट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये होता है आपका डिफ्रेक्शन ड्यू टू डिफ्रेक्शन बाई सर्कुलर एपर्चर, इसी को बोलते हैं डिफ्रेक्शन बाई सर्कुलर एपर्चर, ठीक है भाई। तो वही फिर से, ये तो आपका हो गया इमेज जैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब अगर इसको मैं 2D में दिखाऊं, 3D बना लिया आपने, अब 2D में देखो इसको ध्यान से। तो अगर हम इस स्क्रीन को यहां मानते हैं तो हमें पता है यहां पर जो पोजीशन आएगी वो किसकी आएगी, सेंट्रल सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज है ना, सेंट्रल सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज। फिर यहां पे आपकी कहीं फर्स्ट मिनिमा मिलेगी, क्या मिलेगी भाई आपकी फर्स्ट मिनिमा, हमें पता है। तो फर्स्ट मिनिमा जिस एंगल पर मिलती है उसको हम बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं भाई, थीटा। और फर्स्ट मिनिमा के लिए जो थीटा है वो आपका यहां पर लगभग पाया गया था 1.22 अपॉन लैम्डा बाई डी, अगर जो आपका लेंस है उसका डायमीटर डी है। लेंस जो है उसका डायमीटर क्या है, डी। तो आपके पास जो सेंट्रल सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज है उसके बाद जो फर्स्ट मिनिमा मिलती है आपको वो इस एंगल पर मिलती है। हमने स्लिट के लिए जब किया था फ्रंट ऑफ डिफ्रेक्शन में, स्लिट के लिए किया था, थीटा आपका आया था लैम्डा बाय डी सीधे,
यहां पर आता है 1.22 लैम्डा बाई डी। ये 1.22 जो फैक्टर आया है ये सर्कुलर शेप की वजह से है। किसकी वजह से है? सर्कुलर शेप की वजह से है। इसका आपको कोई प्रूफ नहीं करना, ये ऑब्जर्व्ड है और आपके सिलेबस में इसका जो है ऑब्जर्वेशन का ही फॉर्मूला है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है जो मैंने आपको यहां पर बता दी है। क्लियर है भाई? लिख देना हियर द फैक्टर 1.22 अराइजेस ड्यू टू सर्कुलर शेप ऑफ एपर्चर। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमम आपके यहां पर मिलते हैं थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी। क्लियर है? ये आपका था जो मैंने आपको बता दिया अभी, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर एपर्चर। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट मिनिमम यहां पर 1.22 लैम्डा बाई स्मॉल डी पर मिलती है। ये पढ़ाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हम जब रिजोल्विंग पावर की बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वहां पर ये पता होना जरूरी। मैं सीधे इस फॉर्मूले को लिखूंगा वहां पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, इस बार बोर्ड से हटा दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूले याद रखने हैं और इन फॉर्मूलों को डेरिवेशन नहीं, सिर्फ आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहां पर ध्यान से देखना है क्या होती है रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको दो डेफिनेशन समझनी है, एक है लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए होता क्या है, जब दो क्लोजली स्पेस्ड बॉडीज की हम इमेज देखते हैं लेंस के थ्रू, जो इमेजेस होती है, जैसे कि मैंने कहा था डिफ्रेक्शन की वजह से इमेजेस का साइज थोड़ा बड़ा बनता है, तो इमेजेस का साइज थोड़ा बड़ा बनता है, मालूम है दो बिल्कुल क्लोज साइज की, भाई क्लोजली स्पेस्ड दो पॉइंट साइज की बॉडीज है। अब इसकी इमेज आप लेंस से बनाओगे तो कैसी बनेगी भाई, हमें पता है कैसी बनती है, बड़े शेप की बनती है, है ना, इस तरह से। ये जस्ट रिजॉल्व देखे हमें, जस्ट रिजॉल्व कब दिखती है ये भी आपको समझना है, रिले क्राइटेरिया है, इसको मैं समझाऊं क्या चीज थी ये, इस तरह से। अब दो क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट साइज बॉडीज को जब मैं किसी लेंस के थ्रू देखूंगा तो उनका यहां पर डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा, सेंटर आपका ब्राइट होगा, फिर जो रेड मैंने बना रखा है वो डार्क है। तो फर्स्ट जो मिनिमा है, अगर सेंटर ब्राइट की पोजीशन से पास होती है किसी एक इमेज की, दूसरे भाई किसी एक इमेज का जो सेंटर ब्राइट है और फिर उसका फर्स्ट मिनिमा है, तो किसी एक इमेज का फर्स्ट मिनिमा दूसरे के सेंटर ब्राइट से पास हो, देखो इसका जो फर्स्ट मिनिमा है इसके ब्राइट से पास हो रहा है दूसरी इमेज के ब्राइट से, और दूसरी इमेज का जो फर्स्ट मिनिमा है वो पहली इमेज के सेंटर से पास हो रहा है, सेंट्रल ब्राइट से पास हो रहा है। इस तरह को हम बोलते हैं जस्ट रिजोल्व। क्या बोलते हैं भाई? जस्ट रिजोल्व। यहां पर वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच की, कि उनकी जो इमेज है वो जस्ट रिजोल्व हो जाए, इसको रिले क्राइटेरिया बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिखवा दूंगा आपको भी। तो आपको ध्यान रखना है दो पॉइंट साइज की बॉडीज उनके बीच मिनिमम डिस्टेंस जिसके लिए उनकी इमेजेस जस्ट रिजोल्व दिखें, ठीक है, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगुलर सेपरेशन, तो लीनियर सेपरेशन हो गया, अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर है तो फिर हम एंगुलर सेपरेशन देते हैं, तो उनकी लाइट की रेज है उनके बीच कितना एंगल है, तो वो मिनिमम लीनियर सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, या फिर मिनिमम एंगुलर सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जिनके लिए
उनकी इमेजेस जस्ट रिजॉल्व दिखती है बाय सीन फ्रॉम एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी लेंस के थ्रू। अब जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सभी में लेंस ही हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम देखते हैं उनकी इमेजेस हमें जस्ट रिजॉल्व दिखती हैं, तो उस मिनिमम डिस्टेंस लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, उसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, आप ध्यान से सुनो। द मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द मिनिमम लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर विच दियर इमेजेस फॉर्म्ड बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज जस्ट रिजॉल्व, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, क्लियर है भाई? तो ऐसे ही अब हम दूसरी बात पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट आपने समझ ली, नंबर सेकंड बात सुनिए। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो ये डेफिनेशन है। इसको मैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज करूंगा इस डेफिनेशन का, ठीक है भाई? और सुनते हैं आगे कहानी। फिर हम बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जो होती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, ये होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर एबिलिटी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जिसकी वजह से उसकी जो इमेजेस हैं आपको अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। और ये किससे नापते हैं? इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज द एबिलिटी, ये डेफिनेशन है, ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म द इमेजेस ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड बॉडीज सेपरेटली। दो क्लोजली स्पेस्ड बॉडी की जो इमेजेस हैं वो सेपरेटली दिखें, अलग अलग दिखें, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर ये एबिलिटी ज्यादा है, मतलब बहुत पास की ऑब्जेक्ट्स को भी वो अलग अलग दिखा सकता है, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। और अगर बहुत पास रखी ऑब्जेक्ट्स को वो अलग अलग नहीं दिखा पाता उनकी इमेजेस को, तो उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी रिजॉल्विंग पावर की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रेले क्राइटेरिया। ठीक है भाई, रेलेस क्राइटेरिया।
रिजोल्यूशन। रिले के अकॉर्डिंग दो इमेजेस कब अलग अलग कही जाती हैं वो आपको समझना है भाई। ऐसे तो डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है, हमें कैसे मालूम चलेगा दो पॉइंट जो इमेजेस बन रही हैं वो अलग अलग हैं, वो रिजोल्व हैं, हमें सेपरेटली दिख रही हैं, उसके लिए क्या शर्त है? तो आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू रेले द इमेजेस द इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोज टू ईच अदर फॉर्म्ड बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ एन इमेज पासेस थ्रू सेंट्रल ब्राइट ऑफ अदर इमेज। एंड द फर्स्ट मिनिमम ऑफ या फर्स्ट और सेकेंड लेते हैं ना, फर्स्ट मिनिमम ऑफ फर्स्ट इमेज, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेकेंड इमेज एंड फर्स्ट मिनिमम ऑफ सेकेंड इमेज पासेस थ्रू सेंट्रल ब्राइट ऑफ फर्स्ट इमेज, ये है भाई आपकी डेफिनेशन। तो ये रेले अकॉर्डिंग रिजोल्यूशन की डेफिनेशन है। जस्ट रिजोल्व इमेज तब कही जाती है जब ऐसा हो, जैसे मैंने आपको भी बताया। इसके लिए आप फिगर बना के देखो, फिगर बना के दिखाता हूं आपको। इसके लिए जो आपका फिगर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई लेंस है और उसने दो क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट साइज्ड बॉडीज की इमेजेस को बनाया तो इस प्रकार से बनी। ये जस्ट रिजॉल्व है, जो पोजीशन ऑफ, अब इसकी मान लीजिए डार्क जो है ना वो इससे पास हो रही है इस तरह से, और इसकी डार्क जो है वो इससे पास हो रही है इस तरह से, ये इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व्ड। ठीक है भाई, जैसा मैंने बोला था वही यहां पर फिगर बना दिया एग्जैक्टली, तो आप इस तरह से फिगर यहां पे बना लो। क्लियर भाई? चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैं सिर्फ फॉर्मूले यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट, कोई प्रूफ नहीं है इनका जो हम करने जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करने हैं
और उनकी एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल में उनको अप्लाई कर देना है जब भी आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो हम बात कर लेते हैं भाई रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। यहां पर सीधे मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल्स में उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है भाई, मान लीजिए आपका ये लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपके पास लाइट की रेज आई, ये इस तरह से आपके पास लाइट की रेज आई मान लीजिए, क्लियर। और दूसरी ऑब्जेक्ट से मान लीजिए इस तरह से लाइट की रेज आ रही है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आ रही है। जो ब्लैक बना रखी है मैंने वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लाइट की रेज है, और जो रेड कलर की बना रखी है वो मान लीजिए आपकी दूसरी ऑब्जेक्ट की लाइट की रेज है। इसको मान लेते हैं सोर्स वन, सोर्स वन, और ये सोर्स टू, सोर्स टू और सोर्स टू। चूंकि टेलीस्कोप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो उनसे आने वाली लाइट की दूसरे की पैरेलल होती है, तो हम यहां पर जो नापते हैं वो होता है एंगुलर सेपरेशन। थीटा क्या है भैया? एंगुलर सेपरेशन। तो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन जो होगा उसको बोलेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, रिजोल्विंग पावर। तो जिस तरह से रेज आई है, अगर इनकी इमेज देखी जाए तो ब्लैक वाली सीधे मान लीजिए यहां पर अपनी इमेज बनाती है, ये ब्लैक वाली का सेंटर ब्राइट होगा यहां पर, ब्लैक वाली का सेंट्रल ब्राइट जो है आपका मान लीजिए यहां पर बना, ये ब्लैक वाली का सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, तो रेड वाली चूंकि इस डायरेक्शन में है तो इधर इसका सेंट्रल ब्राइट बनेगा, क्योंकि भाई अगर हम यहां से ड्रॉ करते हैं तो ये जो है नहीं थोड़ा नीचे, भाई अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है थीटा एंगल बनेगा लगभग, ये यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा ये तो बनेगा। ठीक है, इस जगह से लेना अगर ऐसा, तो यहां जो एंगल बनेगा आपका लगभग वो थीटा ही बनेगा, तो लाइट के हल्का सा नीचे आकर यहां पर कहीं मिलेंगी, क्योंकि भाई इधर यहां से देखा मैंने इसका पार डिफरेंस ज्यादा है, इधर इस वाली रे का पार डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, यहां पर आपकी जस्ट यहां पर इसके नीचे ब्राइट बनेगी किसकी, दूसरी वाली की, जस्ट रिजॉल्व होंगे तो इनकी ब्राइट आपस में टच करेंगी और मिनिमा इनसे पास होंगी एक दूसरे की, इनकी ब्राइट आपस में क्या करें, जस्ट टच करें, जस्ट टच कर रही है ब्राइट्स। ठीक है, रेड रेज आप यहां मिला तो लाके इस जगह पे जी, लाइक दिस। अब ये जस्ट रिजॉल्व्ड इमेजेस हैं, इसकी मिनिमा इससे पास होगी और रेड वाले की मिनिमा इसके सेंटर पोजीशन से पास हो जाएगी ऐसे, इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं जो आपका अगर यहां थीटा एंगल बन रहा है तो भाई जो इसकी मिनिमा है वही जो इसकी सेंटर ब्राइट की पोजीशन है। देखो आप ध्यान से, ब्लैक वाली जो मिनिमा है वो रेड वाले के सेंटर ब्राइट पे तो है, तो ब्लैक वाले की मिनिमा उसके सेंटर ब्राइट से अगर उसका एंगल देखें तो यहां भी लगभग थीटा तो बनेगा इस जगह पे, ये जो एंगल लगभग क्या बनेगा आपका, थीटा ही बनने वाला है यहां पे, जो एंगल बनने वाला है इनके बीच, यहां पर जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो आप ऐसे बोल सकते हो थीटा इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम ऑफ एस टू। ठीक है, थीटा लगभग कितना आता है, पीछे हमने पढ़ा था डिफ्रेक्शन ऑफ सर्कुलर एपर्चर, तो वहां से हमने पढ़ा थीटा किसके बराबर आता है, 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, थीटा कितना आता है, 1.22 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, क्योंकि ये भी एक सर्कुलर एपर्चर की तरह बिहेव करेगा लेंस। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो एस टू की ब्राइट है वो सेंटर पोजिशन पे बनी, और उसकी जो फर्स्ट मिनिमा है वो एस वन की जो ब्राइट है उससे पास हो रही है, और इन दोनों की जो ब्राइट है उनके बीच का थीटा एंगल बन रहा है। हम ये बोल सकते हैं जो फर्स्ट मिनिमा है इसकी वो थीटा एंगल पर मिल रही है कहां से, अपनी ब्राइट से, खुद की ब्राइट से। तो हम जानते हैं थीटा किसके बराबर होता है, 1.22 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी के बराबर होता है। ये तो आ गया आपका क्या, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन,
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है ये, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है आपका थीटा, एंड रिजोल्विंग पावर क्या आ जाएगी, रिजोल्विंग पावर का मतलब आर पी, ये क्या होता है वन अपॉन थीटा। मैंने कहा था लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं रिजोल्विंग पावर, तो क्या आ जाएगा भाई डी अपॉन में 1.22 लैम्डा, डी क्या है डी आपका जो एपर्चर है उसको बोलते हैं, साइज ऑफ डायमीटर ऑफ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको डी बोलते हैं, डी क्या है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है भाई ये हो गया आपके पास आंसर। रिजोल्विंग पावर बढ़ाने के लिए आपको डायमीटर जो है किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा रखना होता है, तो ये तो फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग रिजोल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज, नोट में लो, फॉर इंक्रीजिंग रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज, इससे ब्राइट जो होता है वो ज्यादा ब्राइट भी बनती है, मतलब जो इमेजेस है वो ज्यादा ब्राइट भी बनती है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा लाइट गैदरिंग पावर बढ़ेगी इसकी, ज्यादा लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी ज्यादा ब्राइट भी बनती है इमेजेस, तो इसलिए भी हम डायमीटर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा ही रखते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है भाई। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, बस इसके बाद डिफ्रेक्शन आपका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन नेक्स्ट स्टूडियो लेक्चर में। अब हम बात करते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें भी हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या है, वही कहानी है इसमें भी, यहां पर क्या है आपके दो क्लोजली स्पेस्ड जो बॉडीज हैं भाई, दो क्लोजली स्पेस्ड जो बॉडीज हैं, एक मान लीजिए ये आपकी S1 हो गई और एक हो गया मान लीजिए आपका S2, ठीक है, तो इनके बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं डी मीन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, जिसके लिए जो इनकी इमेजेस हैं वो जस्ट रिजोल्व दिखती है हमको, इमेजेस कैसे दिखती है भाई जस्ट रिजोल्व, ये तो भी S1 की इमेज और S2 भी इसके नीचे बना दो इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली, ये S2 की इमेज जस्ट रिजोल्व की बात हो रही है, इसकी जो मिनिमा होगी इससे पास हो जाएगी और जो इसकी मिनिमा होगी वो इससे पास हो जाएगी इस तरह से, फर्स्ट मिनिमा जो होगी, तो ऐसे आपको दिखा देना जो मैंने इमेजेस बना दिए बिल्कुल एग्जैक्टली आप बना दो, चाहे तो यहां से एरोज लो और चाहे तो आप मतलब फालतू लाइट की रेस बनाने को यहां पर जरूरत है नहीं आपको खास, और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, इसको रेड कलर का बनाता हूं मैं और इससे रेड ही निकालेंगे अपन लाइट जो रेस है वो भी,
इस तरह से बन रही है, और इसकी जो ये गई और यहां मिल गई। सिमिलरली आप यहां से ले लेना इस तरह से, क्लियर है भाई। इस तरह से इनका जो फिगर है वो बन जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप के, जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ये डी मीन है, ठीक है। हियर ये जस्ट रिजॉल्व है अभी। और एक और बात ध्यान रखनी, इसको बोलते हैं थीटा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर पे एंगल बनता है ना इसके पूरा, उसका आधा उसको बोलते हैं थीटा। ये पूरा डायमीटर डीएस का, ये बिल्कुल टॉप में मिलाना, बिल्कुल इसी टॉप पे मिल रही है, ठीक है। ऐसे मानो एग्जैक्टली कहां मिल रही है, टॉप पर ही मिल रही है। तो ये जो दूरी है इसको बोलते हैं स्मॉल डी, मतलब डायमीटर ऑफ लेंस। डायमीटर ऑफ लेंस क्या आपका डी है। तो हियर जो डी मीन पाया गया था ना, यहां पर जो डी मीन है आपका वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन में म्यू इंटू साइन थीटा, 2 into μ sin θ। ये फॉर्मूला होता है डी मीन का। और जो रिजोल्विंग पावर आती है, जैसे कि मैंने कहा था 1 upon d mean होती है, डी मीन का मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो वो आ जाएगी 2 into μ into sin θ अपॉन में 1.22 लैम्डा। ये आपकी रिजोल्विंग पावर है। ये क्या है आपका रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं वो आप देख लो जरा, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल मेड बाई एनी ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा लगभग लगभग, ठीक है, थीटा इस जगह पे। और यहां देखें तो इसका भी थीटा बन रहा है, ये एंगल जो है आधा एंगल लेंगे थीटा बनेगा। एनी ऑब्जेक्ट ऑन द रेडियस, डायमीटर नहीं, जो डायमीटर बनाएंगे तो 2θ बनेगा, सिर्फ रेडियस पे तो बना रहे, रेडियस पे एंगल नापा जा रहा है। ऑन रेडियस ऑफ लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है भाई। थीटा तो हो गया आपके पास ये चीज। लैम्डा आपको पता है, लैम्डा क्या चीज होती है भाई, लैम्डा है आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यूज करी गई है। और जो म्यू है यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड लेंस, ठीक है। यानी यहां पर जो मीडियम है इस जगह पे, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो रिजोल्विंग पावर को आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, रिजोल्विंग पावर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग म्यू ऑफ, म्यू का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ऑन इंक्रीजिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड लेंस। दूसरी बात भाई, थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, जो थीटा है आपका अगर उसको हम बड़ा करें तो उस केस में भी क्या है रिजोल्विंग पावर बढ़ सकती है। और थीटा बड़ा कब होगा, जब इसका साइज बड़ा हो, लेंस का एपर्चर डी आपका बड़ा हो, तो उस केस में भी आपका ये डी इसका एपर्चर है और ये डी मिनिमम अलग लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों डी सेम नहीं है, ये डी अलग है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऑन
ऑन इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ लेंस रिजॉल्विंग पावर कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, और जो हमने वेव लेंथ यूज करी है अगर उसको हम कम रखें ऑन डिक्रीजिंग वेव लेंथ ऑफ लाइट रिजॉल्विंग पावर कैन बी इंक्रीज्ड। तो भाई ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर जो मैंने आपको बता दिया, फ्रेजनल डिस्टेंस यानी वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के बारे में समझा दिया, फिर रिजॉल्विंग पावर, हाँ फिर हमने डिफ्रेक्शन ऑफ सर्कुलर एपर्चर पढ़ा, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर दोनों के बारे में समझा, फिर रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, इन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे सीधे, में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, इसके बाद पोलराइजेशन फिनोमेना बचे हुए ऑप्टिक्स के उसे भी खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।